दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल परदेसी फैमिली बाजार एके टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूँ जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरदार पटेल की मूर्ति का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अनावरण। 360 डिग्री घूमती मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शहीद बंधु सिंह की मूर्ति का अनावरण। शहादत को किया शत शत नमन। नवागत नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने सिटी वन से विशेष बातचीत के दौरान कहा शहर को स्वच्छ बनाने में झोंक दी जाएगी निगम की पूरी ताकत। सैजनवा पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 पशु तस्कर, बलिया ले जाकर बेचने की फिराक में थे अभियुक्त। SSP ने दी सिटी वन को जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की जयंती पर परिवार के लोगों और कार्यकर्ताओं ने किया उन्हें याद, दी श्रद्धांजलि। रोटरी क्लब और मारवाड़ी सेवा संस्थान ने नगर विधायक की मौजूदगी में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, जलाई मोमबत्तियां। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए शहीद 40 जवानों को महानगर के स्कूली बच्चों ने भी दी श्रद्धांजलि। आतंकवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन, लगाए नारे। 8 सूत्री मांगों को मनवाने के लिए BSNL कर्मचारियों ने किया 3 दिवसीय हड़ताल, कहा सरकार के ढुलमुल रवैये से हो रहा है कर्मचारियों का अहित। और ऑल इंडिया प्राइज मनी क्रिकेट चैंपियनशिप का हुआ आगाज, खेले गए 2 मैच। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काली मंदिर चौराहे स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, स्थानीय पार्षद और भाजपा के नेता मौजूद रहे। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पहले भी यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन अब उसे एक नया आयाम दिया गया है। अब यह मूर्ति पूरी तरह से 360 डिग्री घूमती है और इसका आधुनिक रूप से कायाकल्प किया गया है। पटेल जी की मूर्ति अपने आप में बेहद आकर्षक बनाई गई है, जिसका मुख्यमंत्री ने अनावरण करके माल्यार्पण किया। एक इतिहास रचने का साक्षी हो गया, एक रचनात्मक आगाज आज शंखनाद हो गया। निश्चित रूप से ये सभी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास का प्रतिफल है। महानगर को सौंदर्यीकरण की दिशा में एक नया आयाम देने का प्रतिफल है। निश्चित तौर पर गुजरात के स्टेचू ऑफ यूनिटी से प्रभावित होकर इस प्रतिमा के आपके सामने घूमती हुई नजर आ रही है। आप इस क्षण को अपने कैमरों में कैद कर सकते हैं। गौरखपुर के गौरव में एक और अध्याय आज जुड़ गया और शायद देश का एकलौता ऐसा महानगर है जहां देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा स्वचालित प्रतिमा के रूप में आज लोकार्पित हुई आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। आज पूरे महानगर में खुशी का वातावरण है, सारा शहर उत्साहित वासी और उनकी आशाएं और भी बढ़ती हो रही हैं कि महानगर अब विकास के पहलू प्रतिमान हो रहा है। कहते हैं कि खजान के रूप थे पर खुशबू आया था, देर से ही रही, देर से ही चली और इस तरह आज लोकार्पण का कार्य संपन्न हुआ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद बंधु सिंह की मूर्ति का अनावरण चौरी चौराहे स्थित कर्मा गांव में किया। बंधु सिंह अपने आप में स्वतंत्रता सेनानी के नायक, जिन्होंने अंग्रेजी हुक्मरानों के नाक में दम कर दिया था। बड़ी मशक्कत के बाद बंधु सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, लेकिन जब भी फांसी पर चढ़ाया तो रस्सी टूट जाती थी। ऐसा गोरखपुर के पुरातन इतिहास में दर्शाया गया है। मौका था बंधु सिंह के शहादत को सलाम करने का और सलामी दी सियासत के पायदान पर खड़े सबसे बड़ी हस्ती ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकायदा बंधु सिंह के प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। से जुड़े हुए सभी जितने भी शिक्षकगण हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि मुझे ये सुविधा दे दो, मुझे फलानी चीज दे दो, मुझे अन्य चीजें दो। उन्होंने एक ही बात कही कि मैं केवल ईश्वर से एक प्रार्थना करूंगा कि इस हिंदुस्तान में मेरा 100 बार जन्म हो, लेकिन जितनी बार भी मेरा जन्म हो उस जन्म का कारण देश का उपकार होना चाहिए, मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। इस देश की सेवा करते हुए मैं अपने आप को हर बार जन्म लेकर के वीर गति को प्राप्त हो, यह भाव पैदा करने वाला इस देश के क्रांतिकारियों की इस महान परंपरा को हम सबको कोटि कोटि नमन करना चाहिए। सीएम सिटी को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नगर आयुक्त तो मिल ही गया। इसके पूर्व जिलाधिकारी के विजयन पांडियन नगर आयुक्त का कार्यभार देख रहे थे। नवागत नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने सोमवार को अपना कार्यभार ग्रहण किया और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा सहित निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सिटीवन से एक विशेष बातचीत के दौरान नवागत नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि उनका पहला प्रयास शहर को स्वच्छ रखने में होगा। आखिरकार सीएम सिटी को नए नगर आयुक्त मिल गए हैं। लगभग कई महीनों से नगर निगम का चार्ज लिया था डीएम साहब ने और उसके बाद आज पूरी तरह से नगर आयुक्त गोरखपुर को मिल चुके हैं। अंजनी कुमार सिंह हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, सीएम सिटी है, स्वच्छता का भी ध्यान दे रहा है, आपकी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता तो यही है कि शहर को स्वच्छ रखा जाए और शहर के नागरिकों को ऐसा महसूस हो कि उनको एक बेटर लाइफ मिल रही है, उनका जो वैल्यूज़ हैं लाइफ की वो बढ़ी। निश्चित तौर पर सर, स्वच्छता की बात की जाए तो लगातार कवायद की जा रही है कि नहीं, सीएम सिटी है, चमकाना है, और सर्वेक्षण के अगर बात की जाए तो उसमें अव्वल स्थान ला रहा है। तो कुछ अलग आप अगर हट के करना चाहें इसके बारे में बताएं। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हम सभी मिलकर अपना भरसक प्रयास करेंगे कि शहर को स्वच्छ बनाया जाए। लेकिन आप सहमत होंगे कि ऐसा करना शहर के निवासियों के सक्रिय सहयोग के बिना थोड़ा कठिन होता है। छोटी सी बात है कि अगर हर शहर का नागरिक, हर रहने वाला अपने मकान के सामने स्वच्छता का ख्याल रखे तो हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी नालियों को साफ रखे, उसे प्रवाहमान रखे, कोई गंदगी न रहने दे, तो स्वच्छता में जब तक कॉमन पीपल आगे नहीं आएगा, आम नागरिक आगे नहीं आएगा, तब तक थोड़ा सा मुश्किल है ये। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जन जागरूकता भी लाई जाए, लोगों से बात की जाए और साथ ही साथ अपने कर्मचारियों पर कड़ी निगाह भी रखी जाए। सुबह स्वयं निकलकर और अपने साथी अधिकारियों के साथ निकलकर ये देखा जाए कि जो कार्य उनको सौंपा गया है उसका भलीभांति निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर मेरा अंतिम क्वेश्चन बस ये है कि इसके पूर्व आपकी नियुक्ति कहाँ थी और क्या? इसके पूर्व मैं बाराबंकी जनपद में मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर कार्यरत था और उसके बाद ये पोस्टिंग मेरी हुई है। तो अभी हमारे साथ थे नगर आयुक्त गोरखपुर। उन्होंने एक तरीके से चैनल के माध्यम से हमारे अपील भी की है कि जब तक लोगों का संस्कार स्वस्थ नहीं होगा स्वच्छता नहीं आ सकती है। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे। सहजनवा पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को पुलिस ने धर दबोचा। बताया जा रहा है कि फैजाबाद के जुबेर बाजार से 5 गोवंशों को एक
पिकअप के माध्यम से ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना पर एसओ सहजनवास सत्यप्रकाश सिंह ने सक्रियता दिखाते हुए इन्हें भीटी रावत चौराहे पर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों में से एक बिहार का रहने वाला है और एक देवरिया के बनकटा का निवासी है। इन तस्करों के पास से 5 गोवंश सहित एक पिकअप और मोबाइल भी बरामद हुआ है। ये तस्कर इन गोवंशियों को बलिया ले जाकर बेचने वाले थे। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। डायल 100 पर इन्फॉर्मेशन आई कुछ गौ तस्करों की, इस पर पुलिस ने औचक नाका लगा करके कुछ दो गौ तस्करों को और कुछ जानवरों को पकड़ा है, जिसमें FIR दर्ज कर ली गई है। और बताया जाता है कि ये बलिया ले जा रहे थे जानवर, इनकी जांच की जा रही है और संभवतः ये गौ तस्करी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से SSP आवास के सामने स्थित तो वीर बहादुर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस माल्यार्पण कार्यक्रम में स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुत्र विधायक फतेह बहादुर सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि हम स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और उनकी संस्था को आगे बढ़ाएंगे। इसके अवसर पर हम लोग जैसे कि प्रत्येक वर्ष ये संकल्प लेके चलते हैं कि इनकी संस्था के द्वारा, वीर बहादुर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा, जो गरीबों को सहायता हम लोग प्रदेश भर में प्रदान करते हैं, उसमें हम और आगे तेजी लाएंगे। हम जो वीर सपूत जवान हमारे जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करते हुए हम अपनी संस्था के माध्यम से प्रयास करेंगे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहायता अपनी तरफ से दें। धन्यवाद। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त, सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, चलकल बिल्डिंग, गोल घर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहां उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9939359081। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। रोटरी क्लब गोरखपुर और मारवाड़ी सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जम्मू कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मुख्य रूप से नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व महापौर सत्या पांडे मौजूद रहीं। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में इंदिरा बाल विहार स्थित चेतना तिराहे पर इन सभी लोगों की ओर से शहीद जवानों के चित्र पर पुष्प अर्पण किया गया और श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मोमबत्तियां जलाई गईं।
काजी साहब सर 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 जी डॉक्टर साहब थोड़ा उधर पीछे ताकम और पीछे और अभी पीछे जाएगा थोड़ा सा पीछे होगा ताकम पीछे हो थोड़ा सा थोड़ा पीछे वो चढ़ाने के लिए उधर जा दोनों तरफ से एक लोग मत चढ़ाए अपने श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल और पूर्व महापौर सत्या पांडे ने कहा कि जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। भारत के नागरिक हैं, उनके अंदर भी आक्रोश है। जो भारतीय सैनिक मृतक हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना, श्रद्धा सुमन अर्पित करना और जिन लोगों के कारण ये कांड हुआ है उन्हें दंडित करने के लिए भारत सरकार हर प्रकार के कदम उठाए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना, दो ही उद्देश्य हैं इन तरह के कार्यक्रमों के। पूरे देश में भीषण आक्रोश है, 125 करोड़ नागरिक क्रोध के मारे बलबला रहे हैं और ऐसी घटना भी इतनी बड़ी कभी नहीं हुई थी। स्वाभाविक रूप से पूरे देश में एक आक्रोश है। केंद्र सरकार कदम उठा भी रही है, आज कदम उठाए गए हैं तो एक शुरुआती कदम है ये। अभी तो इसके बाद लगातार कदम उठेंगे और हर उस व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में हो। जब से ये कुकृत्य आतंकवादियों ने किया है तब से हमारा पूरा देश आज व्यथित है। हर एक नागरिक एक दूसरे के साथ है। आज उसी के तहत रोटरी क्लब द्वारा यहाँ पे शोक सभा हो रही है, उन्हें नमन किया जा रहा है। आज हम उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो सैनिक हमारे बॉर्डर पे हैं वो स्वस्थ रहें, उन्हें यश की प्राप्ति हो और इतनी हिम्मत से रहें और कि हमारे देश पे जो भी कुदृष्टि डाले उसको आंख नहीं उसका धड़ से गर्दन भी अलग हो जाए। यही प्रार्थना के साथ मैं आपको भी इसके लिए आज ही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को संरक्षण। बहुत बहुत जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों की शहादत में लगातार हिंदुस्तान के कोने कोने से विरोध के स्वर कहीं प्रदर्शन के रूप में तो कहीं श्रद्धांजलि के रूप में दिखाई दे रहे हैं। महानगर में सोमवार को भी स्कूली बच्चों ने अपना विरोध इस आतंकी हमले के खिलाफ किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, शहीद जवान अमर रहे के नारों के बीच हाथों में तिरंगा लहराते यह स्कूल बच्चे शहीदों की शहादत को नमन करते नजर आए। ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL की ओर से 18 फरवरी से 3 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी 8 सूत्री मांगों की अनदेखी सरकार ने की है, इसलिए वह बाध्य होकर हड़ताल पर जा रहे हैं। 8 सूत्रीय मांगों में उनकी प्रमुख मांगें BSNL को 4G स्पेक्ट्रम का शीघ्र आवंटन किया जाए, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित किया जाए, साथ ही BSNL को बैंक से ऋण लेने के लिए प्रस्ताव हेतु लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया जाए।
अपने इस हड़ताल के बारे में बीएसएनएल यूनियन के जिला सचिव नित्यानंद मिश्र ने कहा कि सरकार ने दिसंबर में ही इसके बारे में संज्ञान लेने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन फिर भी कोई भी मांगे स्वीकार न होने पर वह हड़ताल पर जा रहे हैं। अब वेज रिवीजन होना था, जो अभी तक वेज रिवीजन हमारा नहीं हुआ, पेंशन रिवीजन हमारे जो रिटायरी साथी हैं उनका पेंशन रिवीजन होना था, वो अभी तक नहीं हुआ। इन सारे इश्यूज को लेकर के आने वाले समय में ये बीएसएनएल की स्थिति को सरकार खराब कर रही है, इसको मजबूत करें, ताकि हम भारत सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि हमें स्पेक्ट्रम लेने के लिए पैसा दिया जाए, हमें अनुमति दी जाए, लेकिन सरकार हमारे बीएसएनएल को बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है। प्राइवेट कंपनियों के तरफ उनका रुझान है, इसके खिलाफ ये आंदोलन है। अगर जो सरकार बीएसएनएल का सपोर्ट करती तो हमें 4G स्पेक्ट्रम मिल गया होता, हमारा वेज रिवीजन हो गया होता। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम यह हड़ताल पे हैं। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा आयोजित ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी मैच में रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर पूर्वोत्तर रेलवे की टीम ने अवनीश सिंह के शानदार शतक 106 की बदौलत हरियाणा की टीम को 40 रनों से हराकर 2 महत्वपूर्ण अंक अर्जित किए। वहीं सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर नागपुर की टीम ने उलटफेर करते हुए सीएजी की टीम को 2 विकेट से हराकर 2 अंक अर्जित किए। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।